What happened? So guys, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक मैं आज वीडियो में बना रही हूँ, this was a highly requested topic. मतलब लास्ट कुछ दिनों से आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे इतना ज़्यादा मैसेजेस किए एंड आप लोगों ने मेरे साथ एक ऐसा वीडियो शेयर किया जो देख के मैं सच्ची में हैरान हो गई. एंड उस वीडियो में स्टीव हफ सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा के साथ, उनके स्पिरिट के साथ बात किए थे. एंड मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी डेड इंसान के स्पिरिट के साथ भी कोई बात कर सकता है. एंड सच्ची में बोल रही हूँ यार, ये वीडियो देख के मुझे जितना ज़्यादा डर लगा ना, उससे भी ज़्यादा मुझे दुख हुआ इस चीज़ को फील करके कि सुशांत सिंह राजपूत अभी हमारे बीच में और है नहीं. सो गाइज, इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत ने बातें करे हैं. उन्होंने ये तक बोला है कि उनका मर्डर किसने किया है, कैसे किया है. एंड स्टीव हफ जो है ना, वो एक बहुत ही जाने माने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है. वो 10 साल से इस चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं एंड उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया है जिसके थ्रू वो सोल्स के साथ, स्पिरिट्स के साथ, आत्माओं के साथ बातें कर पाते हैं एंड उनके बोले हुए बातें, सोल्स के बोले हुए बातें वो सुन पाते हैं. एंड गाइस, मैंने अनुराग बिश्त जी का भी वीडियो देखा है एंड उनका वीडियो भी मुझे काफ़ी 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 रियलिस्टिक लगा. तो चलिए विदाउट एनी मोर डिले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मत भूलना ताकि आप बहुत अच्छे से सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़ को सुन पाओ, पहचान पाओ एंड समझ पाओ कि वो क्या बोलना चाहते हैं. सो गाइस, इस वीडियो में दिखाया गया कि जब स्टीव हफ ने सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से पूछा, डिड यू ट्राई टू किल योरसेल्फ, क्या आपने खुद को मारने की कोशिश की थी, तब उन्होंने आंसर में बोला संदीप एंड मी टू, या फिर संदीप किल्ड मी टू. डिड यू ट्राई टू किल योरसेल्फ, डिड यू डू दैट. एंड आपको पता होगा, अगर आपने उनकी सारे न्यूज अच्छे से फॉलो की है, कि संदीप उन्हीं की एक फ्रेंड है. एंड आई डोंट नो कि इसमें कितना सच्चाई है कितना सच्चाई नहीं है, बट मुझे तो सुन के यही लगा कि उन्होंने संदीप एंड मी टू बोला. एंड देन दूसरे जगह पे उन्होंने बोला है आई हैव गॉट टू पेटेंट्स. एंड अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के न्यूज अच्छे से फॉलो कर रहे हो, देन आपको पता होगा कि उनको सच्ची में गेमिंग का बहुत शौक था. वो वर्चुअल रियलिटी वाला गेम्स खेलते थे एंड वो खुद का गेम लॉन्च भी करने वाले थे. तो हो सकता है कि उनके पास कोई गेम का पेटेंट होता होगा. एंड जैसे मतलब कोई पेटेंट रहना मतलब उसका कॉपीराइट आपके पास रहना, एंड अगर कोई और दूसरा इंसान उसको यूज़ करता है देन आपको उससे रेवेन्यू मिलता रहता है. मतलब पेटेंट रहने का मतलब होता है कि आपको काफ़ी सारे पैसे आ जाएंगे उस चीज़ से. एंड आई मीन काफ़ी सारे पैसे. तो हो सकता है कि इन पैसों के लिए उनको किल किया गया है, वो यही बताना चाह रहे थे. आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे नीचे बताओ. What happened? एंड मुझे तो यही लगा कि उन्होंने यही बोला कि आई वॉज स्टैब्ड एंड डेड, मतलब कि उन्हें मारा गया है एंड देन ही वॉज जस्ट डेड. ये जो नेक्स्ट चीज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, इट मेड मी सो इमोशनल. दोस्ती के नाम पे दे मर्डर्ड मी. मतलब
ये सुन के तो मुझे ऐसा ही लगा कि शायद उन्हीं के कोई फ्रेंड ने उनका मर्डर किया होगा, जिनके ऊपर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। आई एम स्पीचलेस गाइज, आई एम स्पीचलेस। एंड इसके बाद जब स्टीव हफ ने उनसे पूछा कि आपकी जिस रात को मौत हुई थी उस रात में क्या हुआ था मुझे बताइए, सुशांत सिंह राजपूत ने यही जवाब दिया, बिग आर्ग्यूमेंट्स विथ मेन। टेल मी व्हाट हैपेंड द नाइट ऑफ योर डेथ। मतलब शायद दो या तीन या किसी भी आदमी के साथ उनका बहुत बड़ा कोई झगड़ा हुआ होगा जिनके बारे में हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता, बट मुझे तो सुन के ऐसा ही लगा कि उन्होंने यही बोला, बिग आर्ग्यूमेंट विद मैन। एंड इसके बाद जो आप सुनोगे, आई एम श्योर कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे। जब स्टीव ने सुशांत के स्पिरिट से पूछा कि आपको याद है कि आपको कैसे मारा गया था, सुशांत ने बोला, दे हैव बॉट नूज। रिमेंबर हाउ यू डाइड? एंड आपको पता है कि नूज क्या होता है? मैंने गूगल किया एंड तब मुझे ये दिखा कि नूज वही होता है जिसके साथ फांसी लगाया जाता है, उसी रस्सी को नूज बोला जाता है। कैन यू इवन बिलीव दैट? मतलब अगर ये सही में फेक होता तो ये कैसे कोई बोल सकता है कि I have no idea। एंड गाइज, देन बात करते हुए उन्होंने अचानक से बोला, दीपेश डन दिस। आई डोंट नो गाइज इसमें कितना सच्चाई है, बट सच्ची में दीपेश नाम का एक आदमी सुशांत का कुक हुआ करता था एंड उनको रिया चक्रवर्ती ने अपॉइंट किया था सुशांत सिंह राजपूत के लिए। मैंने न्यूज़ में यही सुना है, आई हैव नो आइडिया, बट ये सुन के ना मेरे सच्ची में रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दीपेश नाम का बंदा सही में सुशांत सिंह राजपूत का कुक है। अनबिलीवेबल। एंड गाइस, जब स्टीव हफ के साथ सुशांत सिंह राजपूत का ये सेशन खत्म हो रहा था तब उन्होंने बोला, आई विल सी यू अराउंड। थैंक यू वेरी मच, लव टू यू। आई एम श्योर गाइस कि अगर आप एक बार ये पूरा वीडियो देखोगे ना, आपको गूज़बम्स तो आएंगे ही एंड मे बी यू विल क्राई। सही में बोल रही हूँ, आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि आई फेल्ट सो इमोशनल वॉचिंग द वीडियो एंड आई जस्ट डोंट नो, मतलब क्या बताऊँ आपको। मुझे सच्ची में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर, बिकॉज वो हमारे दिल में हमेशा से थे एंड हमेशा रहेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना कि ही इज नो मोर, नहीं। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी होने वाली है सुशांत सिंह राजपूत के इस केस के ऊपर एंड आई रियली वांट कि उनको जस्टिस मिले, उनको पूरा जस्टिस मिले। एंड यार, मैं यही प्रे करूँगी कि वो भी जहाँ पे भी हैं बहुत ज़्यादा खुश रहे। एंड या यही तो गाइज, प्लीज़ बताओ मुझे आपको क्या लगा कि ये वीडियो रियल है या फेक। मुझे इन सब टेक्निकल चीज़ों के बारे में उतना पता तो नहीं है, तो मैं जज करने वाली कोई नहीं होती हूँ, ठीक है? आई एम नो वन टू जज दैट। सो हो सकता है गाइज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है। एंड या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई लव यू ऑल। डिस्क्रिप्शन के लिंक से रोज रमी डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना।